Ladies and gentlemen, let's start with the module 130th, uh, again moving on to the sources of innovation, so this is the continue episode of the sources of innovation, where we will discuss the process need, what is, what are the process need? We have seen modules modules, that we have perfect examples, imperfect examples, possibilities, probabilities expected versus unexpected, failure or exact failure versus exact success, process need so it is the opportunity is a source of innovation and has been the, the idea of preceding chapters but old proverb says necessity is the mother of invention, the topic look at the process need as a source of innovation and indeed a major innovation opportunity. इंकॉन्ग्रिटीज इज अ प्रोसेस नीड इस लुक फॉर अ वीक और मिसिंग लिंक सो फॉर अ वीक और अ मिसिंग लिंक ये दो चीजें आपने जमा कर ली प्रोसेस नीड के अंदर प्रोसेस नीड के अंदर नंबर वन वीक सेकेंड इज अग लिंक मिसिंग लिंक में एक एग्जाम्पल देखिए मैंने आपको प्रोडक्ट दे रहा हूँ आपको स्पीड प्रोडक्ट दे रहा हूं वो अवेलेबल हो रही है क्या मिसिंग लिंक है कि उसके अंदर डिले जाना शुरू हो गए फॉर एग्जाम्पल एक आदमी है उसने बहुत बड़ा प्रोसेस बना लिया उसने एक बहुत बड़ी चीज़ डिवेलप कर ली बाद में पता चलता कि वो बहुत बड़ी जो फ़ूड चेन थी वो मुख्तलिफ किस्म का खाना डिलीवर करेगी डिलीवर करने का तरीका ये है कि आपने उसके साथ कांटेक्ट्स कर लिए मुख्तलिफ जगहों से वो चीज़ें बनेंगी बट ऑटोमेटिकली ऑर्डर जनरेट होगा ऑर्डर जनरेट होकर मुख्तलिफ लोगों के पास चला जाएगा लेकिन एक ऐसी चेन बनी इंटरनेशनली uh, जो वो चीज़ें डिलीवर नहीं कर पाई फॉर एग्ज़ाम्पल फूड प्रोडक्ट्स जो थे मुख्तलिफरी आइटम्स या बाकी चीज़ें वो डिलीवर जब नहीं हुई तो उसका रिसोर्स भी खुद देना पड़ा फिर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री डाली गई फैक्ट्री डालकर भी वो रिसोर्सेस पूरे तरीके से टाइमली मैनेज नहीं हो पाए सो वट वॉज द मिसिंग लिंक मिसिंग लिंक वॉज देट देर वॉज अ नो परफेक्ट मैनेजमेंट आपने प्रोडक्ट के प्रोसेस के अंदर मिसिंग लिंक्स किए अच्छा ये प्रॉब्लम आ गया मिसिंग लिंक की एक और एग्जाम्पल भी देता हूँ कि जब इंसान को कहा गया कि आप इंसान हैं और आप जब तख्लीक हुए तो इंसान थे और आपको जो है अशरफुलमखलूक़ात बनाया गया ये लिंक जो था कि हमेशा से मिसिंग था जो कुरान मजीद ने हमको क्लियर किया कि हम कभी भी डारविन के मुताबिक बंदर नहीं थे तो डारम के साइंटिफिक प्रोसेस के अंदर एक लिंक मिस किया जिसकी वजह से वो ना कायनाती वजूद तक पहुँच सका तो कायनाती वजूद में उसको समझ नहीं आई कि कायनात का कहीं ना कहीं से तो लिंक होगा कोई मादा होगा कोई मादे के साथ उसके जो है एक सब्सटेंस होगा सब्सटेंस के साथ वो इवॉल्व होगा एवोल्यूट होगा तो वो एवोल्यूशन उसको जब समझ में नहीं आया एक जगह फंस गया, उसको इनमा अमरूजा आरदूल कुन फयकून कौन और फयकून का जो आइडिया था वो वहाँ का मिसिंग लिंक था कि वो उसको जब वो मिसिंग लिंक हो गया तो उसको उसने बिग बैंग कह दिया अब कौन फयाकून के अंदर टेक्निकल साइंटिफिक लिंक्स तो थे लेकिन वो समझ नहीं पाया तो उसने एवोल्यूशन के मुताबिक स्पीशीज देखना शुरू किए बुक ऑफ स्पीशीज़ के अंदर भी आप देखेंगे तो वो पता करने की कोशिश करता रहा कि एवोल्यूट होकर कोई ना कोई चीज़ तो बनती है कोई ना कोई आप एक पॉइंट होता है जिसको एवोल्यूट होकर फलां चीज़ बड़ी होती 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 कोई चीज़ बन जाती है तो छिपकली थी तो वो डायनासोर डायनासोर से जो एवोल्यूट होकर छिपकली बन गई उसे सोचा कि मोस्ट रेलिवेंट मोस्ट नियर स्पीशी बंदर बनता है मुमकिन है इंसान बंदर होगा उसका ट्रांसफॉर्मेशन होकर इंसान बन गया लेकिन कुरान ने इस मिसिंग लिंक को क्लियर किया कि इंसान कभी बंदर नहीं था सो वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज द अपॉर्चुनिटी फॉर द इनोवेशन एग्जिस्ट इफ देर इज अ रिकग्नाइज नीड टू कंप्लीट द प्रोसेस इट मस्ट बी फेल्टैट देर इज अ बेटर वे टू डू समथिंग विच विल बी enthusiastically रिसीव by यूज़र हमें देखना होता है कि हमारे ऑडियंस क्या चाहते हैं हमारे ऑडियंस बाद में तलाश करते हैं याद रखिए ऑडियंस इज़ द बेस्ट जज बट मैं इसके ऊपर एक और बात कर रहा हूँ कि दे आर बट ऑडियंस को तो आप जो आदत डाल देंगे वो क्या होगी वो ऑब्स होगी देखिए जो चीज़ आप ऑबियस बनाएंगे वो स्टैंडर्ड बन जाएगी मैं बहुत गौर की बात बताने लगा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है स्ट्रेसफुली समझा रहा हूं आपने कोई भी चीज जब प्रोसेस डिजाइन करके फिक्स कर देना है तो वो मेरा ऑब्वियस चीज स्टैंडर्ड बन जाएगी जब वो स्टैंडर्ड बन जाएगी फिर दो से तीन डिकेड्स लगेंगे उस स्टैंडर्ड को चेंज करने के लिए कई दफ़ा सदियां तक भी वो स्टैंडर्ड्स ख़त्म नहीं होते सो तो आपको जो भी चीज में आप ऑब्वियस होंगे आपका आइडिया होगा एक जहनों का एक आइडिया होगा आप हर फील्ड के किसी एक इनोवेटर का नाम लेंगे वो एक आदमी होगा जिसने उसको इनोवेट किया होगा और वो सारे लोग जो है उस ऑब्वियस चीज को स्टैंडर्ड बना देंगे और स्टैंडर्ड जब बन गया तो दैट इज द कोर एसेंस ऑफ द प्रोसेस सो व्हेन यू मेक सम ऑब्वियस थिंग इट बिकम द स्टैंडर्ड थैंक यू वेरी मच